अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज वो दिन आ गया फाइनली जब हमें मदीना से मूव करना है। और एक्साइटमेंट भी है क्योंकि हम मक्का जा रहे हैं। मक्का जाकर हम लोग उमरा परफॉर्म करेंगे। जाहिर है हम उमरे के लिए आए हैं। हमेशा वैसे हम पहले मक्का आते हैं फिर मदीना आते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा पहले मदीना जाते हैं फिर मक्का जाते हैं। और आप लोगों ने देखा भी, मैं बग़ैर वीज़े की आई थी तो मुझे ज़्यादा आसानी यहाँ लग रही थी, इसलिए हमने यहाँ लैंड किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आप लोग अपने रोज़ों को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो अपने रोज़ों को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। किस तरह सहरी हो रही है, किस तरह से अफ्तारी हो रही है, आप लोगों के साथ सब शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को दिखा रही हूँ कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं तो डेफिनेटली आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रख ही रही हूँ। सो हो सकता है मैं तवाफ़ करते हुए या फिर सही करते हुए वीडियोस ना बनाऊं, बिकॉज थोड़ा मैं जब पढ़ाई के दौरान वीडियोस और चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बाद में जब मैं फ्री होती तो फिर मैं बनाती हूँ। सो अभी हम जोर की नमाज़ पढ़ के आए हैं, बस गाड़ी वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ रहा है। तो मेरे पास दो मिनट थे, अभी सामान गाड़ी में रखा जाएगा और फिर मैं मूव करूँगी। तब तक मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। सो अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिए, और बहुत ज़रूरी है अपने इर्द गिर्द ख्याल रखना। सिर्फ यही ख्याल ना रखें कि किसकी घर से लड़की जा रही है और कहाँ से आ रही है और क्या कर रही है और क्या हो रहा है, कौन सा लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इसके अलावा ये भी देखें कि क्या उनके घर में सालन बना है, ये भी नज़र रखें। क्या उनके घर में रोटी बनी है, ये भी नज़र रखें। ये हम लोगों पे फ़र्ज है, ये हम पे लाजिम है कि हम लोग अपने आस पड़ोस में ध्यान रखें कि क्या है, क्या उनका, हमने कुछ ऐसा बनाया है तो हमारे घर से इतनी खुशबू आ रही है तो पड़ोसी का रोज़े में दिल तो नहीं चाह रहा होगा। जैसे मैं, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ बने तो मेरा दिल होता है कि हम करीब करीब थोड़ा सा शेयर कर दें। और किसी के घर से खुशबू आ जाए तो मैं सम टाइम अपनी बहन से मजाक करती होती हूँ कि मुझे ना, मैं खुद जा के ले आती हूँ। जाती तो मैं नहीं, जैसे मैं फ़न करती रहती हूँ कि मैं खुद जा के ले आती हूँ, मुझे खुशबू आ रही है। जैसे हम लोगों ने ना मक्का मदीना में अभी तक ना अलबेक नहीं खाया, क्योंकि हमारी यहाँ पे बुफे सिस्टम था। तो और हम जाते थे हरम में, आते थे खा लेते थे, जाते थे हरम में, आते थे खा लेते थे, मतलब जाने आने और खाने में टाइम रहा है सारा। तो अलबेक ना एक लेडी साथ लेकर बैठी हुई थी तो ना मुझे बड़ी खुशबू आ रही थी। तो मैंने थोड़ी देर के बाद अपनी बहन को कहा, मैंने कहा सुनो मेरा दिल यहाँ पे तो सब चीजें सब शेयर करके खाते हैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको कहूँ थोड़ा सा अलबेक मुझे भी दे दो, मेरी हॉपी ना मुझे ऐसे करके देखा ना, मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। और अगर वो कहती ना हूँ तो मैंने मांग लिया एक्सक्यूज मी थोड़ा सा शेयर करें या, क्योंकि वो दूर थोड़ा दूर है ना, तो मुझे था कि यार मैं इससे बोलूंगी थोड़ा सिर्फ जाने आने की वजह से मैंने अभी तक अलबेक नहीं खाया। इंशाल्लाह अभी मैं मक्का जा रही हूँ, मक्का जाकर डेफिनेटली खाऊंगी। सो शेयर करें, एक दूसरे से प्यार करें और कोशिश करें रमज़ान में एक दूसरे को हर्ट ना करें। सो अपना ख्याल रखिए, उम्रे के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं तब तक हज्जी बन चुकी होंगी, हज्जी तो मैं पहले भी हूँ लेकिन एक नई हज्जी होता है ना कि एक ताज़ी हज्जी, मैं ताज़ी हज्जी बन के आप लोगों को हेलो हेलो करूँगी। चले जी, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। ये हमारा होटल है, कितने अच्छे कॉर्नर्स बनाए हुए इन्होंने, मुझे ये कॉर्नर बहुत पसंद आया, ये कोना कितना अच्छा लग रहा है ना। सो आप यहाँ से, कभी कभी मैं आती जाती हूँ वरना मैं लिफ्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन रोज़े में स्टेयर्स यूज़ करें, थोड़ी कैलोरीज ही बर्न हो जाएंगी। मुझे एक और चीज़ भी बहुत पसंद आई, यहाँ की दिखाती हूँ, वेट, मुझे ये बहुत पसंद आया यहाँ का चांद सितारा ये, और एक और चीज़, वेट, ये कॉर्नर, दिस इज़ ब्यूटिफुल। नहीं जो वीडियो भी आप लोगों ने देखी है मेरी, देखिएगा इसको मैं कहूँगी खुल जाओ सिमसी में और खुल जाएगा, अल्लाह मेरे कहने से पहले ये खुल गया, ये क्या हो गया।
जी विकास में। अच्छा भैया हम कितनी देर में पहुंचेंगे? 4 से 5 घंटे। अच्छा बस हमने डायरेक्ट अब जाके इंशाल्लाह जैसे पहले पहुंच जाए। 2 बज गए। अच्छा नहीं पहुंच सकते? 6:30 बजे तो रोजा खुलना। अच्छा वो टाइम बहुत लगा थी। बस जहाँ गाड़ी खींच सकते हुए खींच लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा परफॉर्म हो गया हज्जी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी भूख लगी हुई है, मैंने सिर्फ एक खजूर खाई है अफ्तार के वक्त और अभी 12 बज रहे हैं। उम्रा कंप्लीट हुआ है, पैर सूज के इतने भारी हो गए कि चला भी नहीं जा रहा। अभी हम जा रहे हैं होटल, मेरा फेवरेट है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े बकरे लगते हैं और इसके अंदर मंदी होती है। आज पता नहीं मेन्यू वहाँ पे क्या होगा और भूख लग रही है, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए सफ़र कर रहे हैं कि 1 घंटे के बाद सहरी स्टार्ट हो जानी है। बेहतर है 1 घंटा, वैसे भी मैं जाने में भी लग ही जाना, तो हम अभी जाके खाएंगे। अल बेक नहीं खाएंगे, ये देखे लोग खा रहे हैं। नहीं नहीं मुझे सहरी करनी अच्छी वाली, लाइक अल अंजुम पे। साथ रही दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं वहाँ मदीना में भी आप लोगों को दिखाना चाहती थी हजरत मौत, लेकिन क्या है कि वो ख़त्म हो गई हुई है। और वो क्या मंदी थी, उसकी जगह पे कोई बहुत बड़ी चेन आई है, सऊदी बंदे की ही आई है वो भी। तो साथ रही ये दिखाती हूँ आप लोगों को कैसी है। अल्लाह करे आज मंदी हो। मुझे मैंने आप सब लोगों के लिए बहुत दुआएं की। खाना काबा के पास रश बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मैं वहाँ पे वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन हिम्मत बिल्कुल, अभी मैंने मोबाइल को कैसे होल्ड किया हुआ है मुझे पता है। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को खाना काबा भी दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी। बस मेरी अब नींद पूरी, मेरा पीरे में से बाजू से ना मोबाइल तक नहीं उठाया जा रहा, तो मेरे साथ रहिए। ये जब हम लोग खाना काबा की तरफ से निकलते हैं तो ये इसका व्यू है और ये पूरी बिल्डिंग है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, क्या इसका व्यू है, क्या इसको डिज़ाइन किया गया है, और रमज़ान की शान चेक करें आप लोग, माशाल्लाह। और यहाँ पे जो व्यू है ना बड़ा शाही टाइप है, लाइक अरेबिक स्टाइल। अंजुम थोड़ी देर मैं यहाँ बैठूंगी। अंजुम होटल की वाइब भी अपनी है। चलो यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, है ना मजे का। मैंने सही तारीफ की है ना, इसमें गहवा डाल के पीते हैं। ये आइसक्रीम स्टॉल लगाया हुआ है, रमज़ान की वजह से नॉर्मल रूटीन में ये स्टॉल नहीं होता, तो रमज़ान में ये स्पेशल स्टॉल लगता है यहाँ पे। सहरी लगने की तैयारियाँ हो रही हैं। अच्छी जगह है ना, मुझे बड़ी पसंद है। इसकी एक चीज़ भी ये बड़ी पसंद है मुझे यहाँ का, ये बहुत पसंद है। अच्छा ना रमजान करीब। हाँ कि ये कैटल्स देखें, ये हरम में भी इसमें गहवा डाल के दिया जाता, तो ये रमजान के लिए ये स्टॉल्स लगते हैं। छोटा कैफे है ये ना, आपने कुछ हल्का फुल्का खाना है तो यहाँ बैठ के खा सकते हैं।
ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये पहाड़ है। सिर्फ होटल को एक व्यू देने के लिए इन्होंने इसको बिल्कुल तराश के सीधा करके इसके ऊपर ये डिजाइन लगाया हुआ है, और ये बहुत पुराना डिजाइन है। पहाड़ को स्ट्रेट कर दिया हुआ है। यहाँ से एंट्रेंस है ना, ये भी एंट्रेंस है। ये बेसमेंट से एंट्रेंस है जहाँ से मैं आई थी, ये ऊपर से है। बहुत खूबसूरत जगह है। कभी आप लोग मक्का में आए तो इंशाल्लाह अंजू में एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है हर लिहाज से, खाने पीने रहने बैठने, शाम में इस तरह से बैठना हो, हर लिहाज से बहुत अच्छा है। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। यहाँ बैठती हूँ मैं ऐसे शाही तरीके से, ऐसे मैं इंतजार कर रही हूँ सैरी का, मुझे भूख लग रही है, मैं भूख लग रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, आप लोगों को ना पूरे मक्का में, मदीना में, किसी भी होटल में बैठने का इस तरह का व्यू नहीं आएगा। यहाँ का जो व्यू है ना, इसकी बात ही कुछ और है। ये वाहिद ऐसा होटल है जहाँ पे आपको बड़ा अरबिक अरबिक फील आ रहा होता है। नींद भी आ रही है, भूख भी लगी हुई है।